नमस्कार दोस्तों, द ईस्टर्न रिपोर्ट के नए एपिसोड में मैं मिथिलेश और सुमित आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ चर्चित लेखक श्री अमित अग्रवाल जी हैं। अमित जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आप भारत के प्रसिद्ध महारत्न आयल पीएसयू में कार्यरत हैं। आप आईआईटी रुड़की के अलमुनाई हैं। आज हम श्री अमित अग्रवाल की फर्स्ट बुक स्विफ्ट हॉर्सेज साफ सोच पर चर्चा करेंगे। अमित अग्रवाल जी ने इस पुस्तक में भारतीय इतिहास के उन पहलुओं पर लिखा है जिसे हमने अपने पाठ्य पुस्तकों में कभी नहीं पढ़ा। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अमित जी, आपको इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली पुस्तक की प्रेरणा तो बहुत पहले से थी, बस टाइम नहीं था, बहुत रशिया था, नौकरी में व्यस्त थे, तो उस वजह से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ लिखना है। लेकिन तमन्ना बहुत पहले से थी, रुड़की के टाइम से थी, 30-35 साल से, कि यस हमें कुछ लिखना चाहिए, कुछ ज़्यादा लिखना चाहिए। और तो लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ, थोड़ा बहुत टाइम मिला, तब उसमें लगा कि इस टाइम का हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो फिर उसको देखते हुए फिर हमने काफ़ी पढ़ाई करी मैंने हिस्ट्री में, उस समय 1-2 महीने पहले उसको ढंग से पढ़ा उसको कि कैसे किस परस्पेक्टिव में लिखना है, कौन कौन से रेफरेंसेस लाने हैं मुझे उसमें। तो उसको पढ़ने के बाद फिर मैंने उसका जो निचोड़ था, उसका जो वो था, उसका मेन जिस्ट था, वो उसको मैंने किताब में मैं डालने की कोशिश करी है मैंने। तो काफ़ी लोगों को पसंद भी आई है ये, तो उसके लिए मैं सारे रीडर्स को आपके चैनल के धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं जी। और आपका ये जो इसका जो कवर है पुस्तक, हाँ, माने ठीक से आ गया है आप देखे, अगर ये देख सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर है। मैं माने सही में ये जब इसका बुक मुझे जब मिला था, मैंने इसका कवर देखा, हाँ, तो मैंने वही देखा कि इसका कितने सुंदर तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। आप ये डिजाइन के बारे में बताइए, डिजाइन कैसे है, कैसे आया और कैसे ये फाइनलाइज हुआ ये डिजाइन? एक्चुअली ये पूरी जो बुक की जो थीम है वो युद्ध पे ही है ये, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री बहुत ब्रूटल रही है हमारी, बहुत डिस्ट्रेसिंग रही है, बहुत वायलेंट रही है, तो उसमें तो उसको लाने के लिए उसको कवर पेज पे रखना बड़ा जरूरी था। तो मैंने, और ये जो कवर पेज डिजाइन है वो मेरी बेटी ने किया है, इति अग्रवाल, चाहे तो आप मिलवा सकता हूँ, मैं यही सामने बैठी हुई है। तो उन्होंने, मैंने किताब की प्रूफ रीडिंग भी उन्होंने करी है, तो वो उसको उनको पता था कि ये किताब किस बारे में है, कैसे है, तो उसको उन्होंने जो है उस आर्ट में, इस कवर पेज के आर्ट में उन्होंने अपना पूरा जो है वो डाला उसको। अच्छा। तो हाँ, तो पूरा जो है इसका जो जो क्रेडिट है ये मेरी बेटी इति अग्रवाल को है। तो जी, आप मिलवाइए आप। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। तो हमारी वाइफ जो है स्वाति अग्रवाल, वो भी आ जाए, उनका भी अच्छी जी जरूर जरूर। थैंक यू। ये है स्वाति। तो इन्होंने जो बुक के अंदर आपने इलस्ट्रेशंस देखे हैं, आपने जो आर्ट वर्क है बुक के अंदर, हर चैप्टर के शुरू में इलस्ट्रेशन है, तो उसमें काफी सारे इलस्ट्रेशन इन्होंने बनाए हैं इसमें। अच्छा। तो मेजोरिटी ऑफ आर्ट वर्क इनका है, तो ये आर्ट की टीचर है, ये आर्ट सिखाती है बच्चों को, तो अच्छा, हमने इनकी मदद ली है। तो अरे, आप जब ये इलस्ट्रेशंस की बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि हाँ बोलिए, इसमें क्या आपको जस्ट तकलीफ है इलस्ट्रेशंस? ऑब्वियसली मतलब क्या होता है कि जब आप हिस्ट्री बताना चाहते हो अपने कोई पाठक को, राइट, कोई रीडर्स को, तो उसमें ऑब्वियस ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, कि आप उनको कैसे समझाएं कि अगर समझ लीजिए वहां से कोई अफगानिस्तान से इंडिया आ रहा है या कहीं से कोई और जगह अटैक करने जा रहा है, एक जो आपका जो इलस्ट्रेशन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, जो रीडर के दिमाग में वो बैठ जाए सही में क्या प्रॉब्लम था, आप इस रास्ते से ही क्यों आए, दूसरे रास्ते से भी आ सकते थे, क्योंकि अगर जिसको ज्योग्राफी नहीं पता है वो ऑब्वियस उसको ये प्रश्न रहेगा कि आप इसी रास्ते से क्यों आए, इस रास्ते की क्या महत्व क्या है।
एक इलस्ट्रेशन उसमें बहुत वैल्यू ऐड करता है, जैसे आपने दिखाया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ बहुत इंटर कनेक्टेड है, तो ये सब दिखाने में आपको क्या चैलेंजेस आए और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? एक्चुअली पहले जैसे फिल्म बनती है उसमें स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसके बाद उसकी शूटिंग होती है, तो ऐसे ही बुक का था। पहले बुक में मैंने लिख लिया उसको, उसके बाद जब बुक लिखी उसके बाद मुझे लगा कि इसमें कुछ इलस्ट्रेशन होने चाहिए, कुछ मैप्स होने चाहिए ताकि हमारे रीडर्स को ज़्यादा समझ में आए कि नॉर्मली हिस्ट्री बुक्स क्या होती है, सिर्फ टेक्स्ट होता है उसमें, टेक्स्ट 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 है, तो वो बहुत ज़्यादा टीडियस होता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्कॉलरली होता है। तो मैं चाहता था कि हिस्ट्री बुक जो है ये इंटरेस्टिंग रहे, ये ताकि लोग जो है इसको फटाफट उसको पढ़ें, उसको समझें, उसको ग्रैस्प करें, और ग्रैस भी जो है वो पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आधा पहला समझ में आया आधा नहीं आया। तो उसके लिए इलस्ट्रेशन जो है वो बहुत इसमें योगदान रहा है उनका, तो क्योंकि स्वाति और रीति दोनों ने बुक पढ़ी है उसको, तो उनके दिमाग में था कि इलस्ट्रेशन कैसे होने चाहिए इसमें, ये ताकि समरी बने चैप्टर के शुरू में ही। तो उसके लिए तो जो है कई इसमें प्रेजेंटेशन कॉम्बिनेशन भी लगे इसमें, पहले कुछ इलस्ट्रेशन डिजाइन हुए फिर मुझे पसंद नहीं आए, या इति को पसंद नहीं आया, स्वाति को पसंद नहीं आया, तो फिर इलस्ट्रेशन करते थे, जब तीनों को एक यूनानिमिटी बन गई, एक सबको पसंद आया तीनों जनों को, तब हमने उसको उस बुक में डाल दिया मैंने। अच्छा, तो आपको एक पूरा किताब लिखने में कितना समय लगा होगा, स्टार्टिंग से समझ लीजिए आपका आइडिएशन से लेकर जब एंड तक, माने कि जो आपको लगा कि आपका सब कुछ ठीक से पब्लिकेशन में आप जा सकता है, तो कितना समय लगा? हाँ, तकरीबन 6 महीने इसको लगे किताब को लिखने में। एक महीना जो है एडिटिंग वगैरह में, तो इसमें लगे 6 महीने जो है वो। तो अच्छा, जैसे और एक चीज है कि जैसे आपने जिसका कवर बनाया, तो कवर बनाने में कितना समय लगा? कि मेरे उस बैकग्राउंड से हूँ, देखो मेरे हिसाब से तो पता नहीं 1 साल लग गया लग जाएगा अगर मैं बनाऊ तो, लेकिन आपको कितना समय लगा? आपने कोई कवर पेज, मतलब बहुत शुरू में डिजाइन करना शुरू कर दिया था। अच्छा। तो उसके बहुत सारे फिर इटरेशंस हुए उसमें, यहाँ पे ये होना चाहिए, वहां पे ये होना चाहिए। अच्छा। जैसे इसमें आपने देखा होगा कि लास्ट में एक ये स्वास्तिक है, ये बाद में हमने इसको इसको डाला इसमें। सिमिलरली यहाँ पे एक कोणार्क का चक्र है, यहाँ पे ये भी बहुत लास्ट में जाके ये इसको ऐड किया गया दिखाने के लिए हमारी संस्कृति क्या थी इसमें, एंशियंट इंडिया में हम कितने, जो हमारी एस्ट्रोनॉमी थी, हमें कितनी नॉलेज थी, ये सब डिफाइन करने के लिए, ये सब डिपिक्ट करने के लिए, ये सब बाद में एडिशन होते रहे, तो कवर भी साथ साथ चलता रहा इसका। अच्छा, तो ये जैसे इसके बैकग्राउंड में ये क्या काली जी है माने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काली कह लिए या दुर्गा कह लिए, शक्ति दिखाने के लिए कि हमें उस समय शक्ति की जरूरत थी हमें उसमें मेडिवल इंडिया में, जो कि कहीं उस समय खो गई थी वो, या हमने सदुपयोग नहीं किया उस शक्ति का। आप अपने किताब में बहुत सारे ऐसे प्रसंगों का जिक्र किया है जो अक्सर हम अपने पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ पाते हैं, तो क्या आप कुछ ऐसे खास प्रसंग को जो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, इसमें बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जो हमारी कभी भी हिस्ट्री बुक्स में नहीं रहे। हमारे कितने जो राजा थे, जो वॉरियर्स थे, उन्होंने जो अरब स्पोर्ट ट्रस्ट को हराया उसको, उनका कहीं पे जिक्र नहीं है। जैसे सबसे जो पहले जो दिमाग में मेरे आता है वो है सुहेल देव, तो गोरखपुर जो बहराइच जो एरिया है यूपी में, वहाँ के वो राजा थे, वो ईस्टर्न यूपी के, तो वो महमूद गजनवी के बाद आई थिंक 1025 में ये महमूद गजनवी का भतीजा था सलार मसूद, तो वो हाँ, तो वो गजनी जो अफगानिस्तान में है वहाँ पे वो बेस था, महमूद गजनवी के मरने के बाद वो राजा बन गया था, या उसका भाई जैसा राजा बन गया था, तो उनको लगा कि इंडिया में जो है बहुत अकूत धन संपत्ति है, जो कि महमूद गजनवी अभी तक लूट नहीं पाया, वो 17 बार वहाँ पे आया था, इंडिया आया था 25 साल में, तो 17 साल में भी वो नहीं ले जा पाया वो, तो उनको लगा कि जो यूपी वाला एरिया, ईस्टर्न यूपी बिहार, वो एरिया छूट गया है उसे, क्योंकि जो महमूद गजनवी था या तो नॉर्थ वेस्ट में था या गुजरात तक जो है वो सीमित रहा, बाकी जगह पे नहीं जा पाया वो। तो ये सरदार मसूद जो थे उन्होंने प्लान किया कि हम गंगा पार करके वो सब एरिया को हम लूटेंगे वो, बट जैसे कि महमूद गजनवी के टाइम पे क्या क्या था कि सब लोग अलग अलग थे,
जयपाल जो थे, जो हिंदू शाही जो किंगडम था, जयपाल आनंदपाल, वो सब अकेले थे, उनके मदद के लिए कोई नहीं आया, बट तभी वो लूट के ले जा पाया उसको। कोई जो है मतलब हम लोग संगठित होके उसका, महमूद गजनवी का, हम लोग उसका प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, उसको अगेंस्ट लड़ नहीं पाए, अकेले राजा हमेशा लड़ता रहा। तो जब ये 1025 में सरदार मसूद जब उन्होंने गंगा पार किया, उन्होंने तो उन्होंने तब वहां पे एक उनको बहराइच में सूर्यदेव करके एक राजा मिले, वहां पे उन्होंने उनको हिस्ट्री पता थी उस समय की, महमूद गजनवी ने कैसे सोनाता मंदिर को डिस्ट्रॉय किया, कैसे उसको थोड़ा थोड़ा उसका सब जो है जितना गोल्ड था उसके जेम्स थे वो सब ले जाके जो है वो अफगानिस्तान ले गए, वहां पे प्रदर्शनी लगा देते, वो कितने सारे स्लेव जो है खैबर पास के पास वहां मर गए हिंदू, तभी वहां का नाम जो है उस जगह का नाम हिंदू कुश बोलते हैं, जहाँ पे हिंदुओं को मारा गया वहां पे। तो उनको हमारी हिस्ट्री पता था कि ये किस टाइप के लोग हैं, ये जो टॉक्स हैं, ये कितने जालिम हैं, कितने सिर्फ तलवार की ही बात करते हैं वो। तो सुहेलदेव ने एक स्ट्रेटजी अपनाई कि उन्होंने सारे राजा जो थे आसपास को सबको इकट्ठा किया और अपनी एक बड़ी सेना इकट्ठी करी, और उन्होंने पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि अभी हम इसमें जो है कोई धर्मयुद्ध की बात नहीं होगी। जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको कि धर्मयुद्ध का क्या क्या कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ लड़ना है और हमें सिर्फ जीतना है, हमारा ध्येय जो है, हमारा जो मोटो है, हमें इसको हराना है, इसको इस जगह पे इस रीजन में इनको अपनी जो है राज्य स्थापित नहीं करने देना है। उन्होंने सारे के सारे जो राजा थे ईस्टर्न यूपी के, बिहार के, सबकी सेना बुलाई, तकरीबन 1 लाख की सेना इनकी हो गई थी। तो वहां पे बहराइच में इनका जो है वो सूर्यकुंडी की जगह है, वहां पे बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई, वहां पे 2 दिन तक लड़ाई चली जिसमें इसरार मसूद के जो है वो शहीद हो गए, वो शहीद तो इन्हें नहीं कहना चाहिए, मारे गए है। उसके बाद जो है वो उसकी बड़ी इच्छा थी कि सूर्यकुंड के पास जो है एक गणेश जी की मूर्ति थी कि उसके नीचे उसको दफनाया जाए उसको, तो किसी ने माना नहीं। लेकिन दिल्ली सल्तनत में जो है वो जवायत, तो उन्होंने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है, तब वहां पे उसकी जो है वो मूर्ति निकाल के उसको वहां पे दफनाया गया, और उसके बाद जो है उनको एक सूफी बना दिया गया उनको, सरदार मसूद को। तो जो आज भी जो है आप अगर आप यूपी बिहार में यूपी में जाएंगे बाराबंकी के पास, तो वहां पे गाजी बाबा की मजार है जहाँ पे हर साल जो है उर्स का जो है डेथ एनिवर्सरी वहां मनाई जाती है। तो वहां लाखों लोग, वहां हिंदू भी जाते हैं, वहां पे वहां चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसी की पूजा करते हैं जिसने लाखों हिंदुओं को मारा था, हमारा सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था। जैसे आपने एक किताब में बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला है, जैसे बुक के एकदम स्टार्टिंग में आप बोल रहे हैं कि जैसे चाइना में से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, लेकिन वैसा हमारा इंडियन जो परस्पेक्टिव से वो नहीं आ सका, ऐसा आपको क्यों लगता मुझे है? हुआ हाँ बिल्कुल, मैं मुझे बड़ा अभी भी एक मिस्ट्री लगती है। चाइनीज ट्रेवलर आते रहते थे इंडिया में, नालंदा में पढ़ने के लिए, तक्षशिला में पढ़ने के लिए, विक्रमशिला में पढ़ने के लिए, और दूर दूर से भी साउथ ईस्ट एशिया से, इवन सेंट्रल एशिया से जो बुद्धिस्ट थे वो सब यहाँ पढ़ने आते थे। तो वो पढ़ने आते हो थे तो उन्होंने बताया होगा कि वो चाइना वॉल बन रही है, वहां पे इतनी विशालकाय वो दीवार है, वो मंगोलों से बचाने के लिए चाइना को वो दीवार बनाई गई है, वो कोई उसको रांग ना पाए। तो ये इंफॉर्मेशन तो यहाँ के राजाओं के पास नहीं होगी 100%, बट और हमारे पास जो है वो, हम रिच थे उस समय, हम 25% जीडीपी जो है वर्ल्ड का प्रोड्यूस कर रहे थे। तो ये समझ लीजिए जो आज की डेट में अमेरिका जो है वो जितना जीडीपी प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही इंडिया जो है प्रोड्यूस कर रहा था उस समय, उतना ही हम पावरफुल थे उस समय, उतने ही रिच थे हम उस समय। तब ये क्यों नहीं बनाया गया? हमारा पूरी ज्योग्राफी में हम नीचे से इंडियन ओशन हमें जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, ऊपर हिमालय प्रोटेक्ट कर रहा है, एक ही हमारी नेचुरल सील थी वो थी खैबर पास, जो कि आजकल जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। उन्होंने एक नया एक स्टेट भी बना दिया आजकल खैबर पख्तूनवाला करके, जहाँ पेशावर वगैरह जो सिटी है, तो वहां पे वो बहुत ही संकरा एक दर्रा है, वो हाई माउंटेन पास है, वो उसमें से एक घोड़ा या एक हाथी ही जा सकता है एक बार में, इतना नैरो वो माउंटेन पास है। तो वहां पे जो है अगर हम या तो अपनी सेना तैनात कर सकते थे, परमानेंट एक आर्मी पोस्ट वहां बना सकते थे, या वहां पे हम कोई दीवार मार सकते थे, या उस संकरे रास्ते को तोड़ सकते थे, हमने संभव कुछ भी नहीं किया वहां पे। तो अगर एक वही वो हम जो है वो उपाय करते वो, तो शायद जो है हमारी इतिहास जो है जो हमने 800 साल झेला, जो है शायद वो हम उससे बच जाते हैं।
हमारे पास मतलब टेक्नोलॉजी भी थी, हमारे पास उतनी वेल्थ भी थी हमारे पास, बस बट वेयर विदन नहीं था शायद। आपको क्या लगता है, क्या ये भी एक रीजन हो सकता है क्योंकि हम लोग सेंट्रल एशिया या मिडिल ईस्ट या जो यहाँ है पर्सिया है उसमें उसे ट्रेड करते थे, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि अगर आप उस पास को ब्लॉक कर दे तो शायद वो ट्रेड ना हो सके, क्या आपको लगता है ये कारण हो सकता है? प्रॉब्ली अब अगर आपने दीवार बनाई है तो उसके लिए आप कहीं पे सुटेबल गेट भी बना सकते हैं, तो चाइना की जो दीवार है वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मोनोलिथिक दीवार है, वहां पे बीच में गेट्स भी हैं, वहां पे जहाँ पे सेंट्रीज जो है वो तैनात रहते थे वहां पे पूरी आर्मी चाइनीज आर्मी रहती थी, यहाँ पे भी वो ऐसे ही रख सकते थे कि वो ट्रेडर्स को अलाउ होता आर्मी को नहीं अलाउ होता, एक बिल्कुल छोटा सा दरवाजा दे थे जिसमें एक ही जो है ट्रेडर या एक ही बंदा जो है अंदर आ सकता था, बाकी पूरे घोड़े और हाथी, वो हाथी तो घर नहीं आते थे, वो लोग मेन उनका घोड़े थे तो घोड़े नहीं आ पाते वहां पे, प्लस खैबर पास में क्या था क्योंकि वो संसद था तो जो उनकी जो टर्क्स थे जो पर्शियन थे या अरब से, उनकी मेन जो स्ट्रेंथ थी वो कैवलरी थी, घोड़े थे उनके, वो घोड़े जो है वो बिल्कुल इफिशियंट नहीं थे उस जगह पे उस ज्योग्राफी पे, तो वो अगर हम वहां पे वो कर देते तो शायद वो लोग इधर आ ही नहीं पाते। हमने क्या किया, सारे सबको अलाउ किया कि भाई प्लेन्स में आ जाओ, पानीपत आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, तराइन आ जाओ और वहां पे आके लड़ो, हमारे घर के अंदर हम बुला के उनको लड़ रहे हैं, तो ये जो गलती थी जो ये वो हमें बहुत महंगी पड़ी, बहुत भारी पड़ी है हमें वो। कोई भी आप देखेंगे कोई भी यूरोपियन कंट्री है, कोई भी अमेरिकन है या कोई भी है, कोई अपने घर में नहीं रहता है, हमेशा बाहर जाके रहता है, उसको कि कुछ भी हो तो हमारा घर सुरक्षित रहना चाहिए। हमारे इतिहास की पुस्तकों को पढ़कर ऐसा लगता है कि हम कहीं दिल्ली का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसमें कहीं भी ना विजयनगर साम्राज्य या ना अहोम साम्राज्य या फिर मराठों का जिक्र नहीं मिलता है। आपकी पुस्तक को पढ़कर लगता है कि आपने उसका समुचित न्याय किया है, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि आपने कैसे क्या कहां कब किया। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मुझे बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन, मतलब मेरे हिसाब से पूछा है, जो आपने बोला अहोम राजा और विजयनगर, तो मैंने अभी एक दूसरी किताब देखी है उसमें इन दोनों का जिक्र है, उसमें तो ये किताब तो आप अगर पोस्टर देखें तो ये किताब जो है वो अभी पब्लिश होने जा रही है। अच्छा, क्लियर है ये? नहीं, यहाँ थोड़ा उतना क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा और पास ले जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, यस यस, अभी अभी हम देख पा रहे हैं, थोड़ा सा उधर देखिए, थोड़ा सा और इधर दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, आप दिख रहे हैं, थोड़ा सा पढ़े, अ नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा जी, इसमें शायद भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी आ गया है लगता है। यस, इसमें जो है अहोम्स है के बारे में है, विजयनगर के बारे में है और खिलाफत के बारे में है। अच्छा अच्छा, तो ये तीन स्टोरी मैंने इसमें लिखी भी है, इसमें ये तो होपफुली जो है आपने बोला है, क्योंकि जो ये जो सिर्फ फोर्सेस वाली किताब है ये बेसिकली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक ही सीमित है, तो बाकी जो है जो जो भारत में जो बाकी जगह पे जो हमारे वॉरियर्स ने लड़ाई करी, जो उनको खदेड़ा इन लोगों को, तो वो सब मैंने इस किताब में लिखा है इसमें। तो ये किताब अभी इसको गरुड़ प्रकाशन जो है प्रकाशित कर रहे हैं इसको, तो हो सकता है ये अगस्त एंड तक जो है ये मार्केट में आ जाएगी। आपका ये प्लान है वो फाइनलाइज हो चुका है, अक्टूबर तक ये पढ़ने को मिल जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, होपफुली। So we will be the first buyers of your book. जैसे और एक चीज है जो मैंने मैंने पढ़ा बुक में जो इंटरेस्टिंग लगा, जैसे आप समझ लीजिए मराठाओं का देख लीजिए, जब आपके थर्ड बैटल पानीपत हुआ था, या आप फिर आप जैसे आप राजा साहेब की नगर की कहानी बताते हैं कि कैसे अपने लोकल जो चीफ गेस्ट थे, लोकल दूसरे रूलर्स थे, उनको वो के साथ वो अपना एक सपोर्ट बेस रिक्रिएट नहीं कर सके, जैसे उनका दोनों जगह आपको एक बहुत बड़ा डिफीट देखना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, उसका क्या कारण हो सकता है कि मैंने कि आप एक क्यों आप क्रिएट नहीं कर सके और आप वाई हाँ। एक्चुअली आप देखेंगे जब भी इंडिया जो है पूरा उस समय जो है एज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं था इंडिया का, बट कल्चरली और सोशली रिलीजियसली इंडिया एक था उस समय, एज ए नेशन था वो पूरा एक जो है था, पॉलिटिकली या भले ही ना कहें, बट जब भी मौर्य थे या गुप्तास थे या राजा भोज थे या हर्ष थे, तो जब इंडिया पूरा
हिमालय से लेकर इंडियन ओशन तक एक था, तब तक किसी भी इन्वेडर ने इन्वेड करने की कोशिश नहीं करी, या उन्होंने कभी करी तो वो हमेशा जो है वो हार के गए। हम एलेक्जेंडर को बात करते हैं, एलेक्जेंडर 332 BC में आया और नॉर्थ वेस्ट में आके पोरस नाम के एक राजा थे, जो पूर्व कहते हैं उसको अंग्रेजों ने पोरस कर दिया। तो वो सिर्फ एक नॉर्थ वेस्ट जो अभी आज का पंजाब है, जो तक्षशिला उनकी राजधानी थी, सिर्फ वहीं पे जो है उनका राज्य था। जो मेन जो थे हमारे जो मगध के राजा थे नंद जो थे वो थे। तो अकेले पोरस जो है वो थोड़ी सी एक किंगडम की थी, हो सकता 300-400 स्क्वायर किलोमीटर क्योंकि उससे बड़ा नहीं। उन्होंने जो है वो अलेक्जेंडर को हरा, अलेक्जेंडर ने उनको हारने में उनके जो है बहुत दिक्कत आई। तो कितने महीनों तक युद्ध चला वो, अलेक्जेंडर जो है झेलम के इस पार महीनों तक बैठा रहा, उसको हिम्मत नहीं हुई कि वो इधर आ जाए, वो सिर्फ हाथी देखेगी। तो वो आया भी कैसे, वो चलाकी करके पहले 10 किलोमीटर पीछे गया झेलम में, और फिर एक दिन धुआं हुआ किया उसने ताकि जो पूरा उसके सैनिक देख ना पाए उसके, और फिर जहाँ पे एक पतली जो थी झेलम, जहाँ पे उनकी जो ब्रिज बहुत कम थी वहां से उन्होंने पार किया। तो एक छदम तरीके से वो जो है वो पूरस को हरा पाए। तो उस समय के मुकाबले उस समय भी पूरस को बहुत बड़े राजा नहीं थे वो, और उतना थक गए अलेक्जेंडर के सैनिक कि उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है और आगे नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे जो जो ग्रीक सैनिक थे वो यहीं पे स्टैब्लिश हो गए। तो उन्होंने वहां पे अलेक्जेंड्रिया करके अफगानिस्तान में देखेंगे, अलेक्जेंड्रिया नाम की कई सिटीज है, जो बगराम जो आजकल US का एयरफोर्स का बेस था वो बगराम का एंशियंट नेम अलेक्जेंड्रिया ही है, वहां पे अलेक्जेंडर का बेस था, उनके सैनिक वहीं पे फंस गए। फिर वहीं से जो है वो गंधार नाम की एक जो आर्ट फॉर्म जो स्टार्ट हुई है, जो बुद्धिज्म में जो बुद्धा को दिखाया गया वो वहीं से स्टार्ट हुई। वो सिमिलरली बाकी टाइम पे भी जो जब जब भी ये मौर्याज और गुप्ताज रहे, किसी इन्वेडर ने इन्वेड नहीं किया। जब जब हम फ्रेगमेंटेशन हो गया जब हमारा, तब तक उन लोगों ने उन्होंने अटैक किया। लाइक जब 7th सेंचुरी में मोहम्मद बिन कासिम आया, तो दाहिर जो है वो अकेले थे उस समय, कोई भी इंडिया में पूरा वो नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग राजा नहीं था। दाहिर जो थे सिंध तक सीमित थे, और प्लस हमारा उस समय भी जो है दाहिर के जमाने में भी बुद्धिस्ट और बुद्धिस्ट ने इनका सपोर्ट नहीं किया हिंदूज का या दाहिर का, क्योंकि जो ट्रेडर्स थे बुद्धिस्ट बेसिकली बहुत रिच थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई कोई भी अनसर्टेनिटी रहे उनके उनके ट्रेड में। तो उन्होंने बेसिकली वो अरब से मिल गए, अरब मोहम्मद बिन कासिम को जाके अपने सारे सीक्रेट बता दिए कि इसके लिए मैं ये एक झंडा है, झंडे को तुम तोड़ोगे तो जो है वो उनका मनोबल टूट जाएगा दाहिर का, तो आप उसको हरा सकते हो। तो ये सब चीजें बताने पर जो है वो तभी वो जीत पाए, अदरवाइज मोहम्मद बिन कासिम जो है शायद नहीं जीत पाते अगर हम हमारे अंदर एकता होती तो। तो हमेशा टर्क्स ने या अरब्स ने या पर्शियंस ने या फिर बाद में अंग्रेजों ने जो राज्य किया, जो हमको इन्वेड किया, वो हमारे कुछ डिसकंटेंट एलिमेंट्स थे उनकी उनकी सहायता से किया, अदरवाइज वो कभी जो है हम पे राज्य नहीं कर पाते वो। जैसे कि मैंने मंगोल्स भी हैं, जैसे है ना मंगोल्स ने जैसे जब आए थे वे वहां से, और जैसे कि आपको पता है जैसे चंगेज खान ने कैसे ख्वारिज्मिया एम्पायर पे पूरा उड़ा दिया था, और भी बहुत सारे याद रखो वो जो आपके मामलुक्स तक पहुंच गए थे, बस वहीं पे वो जो बैटल ऑफ एम्प्टीट्यूड है वहां पे जाके वो हार गए थे, लेकिन इंडिया तक तो नहीं आ पाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका मैंने क्या रीजन मानते हैं कि जो मंगोल्स है उन्होंने इतने दूर से वो आ रहे हैं सेंट्रल एशिया पार करके जाकर मिडिल ईस्ट तक वहां पहुंच गए, लेकिन उन्होंने इंडिया में भी थोड़ा बहुत अटैक हुआ लेकिन वहां पर वो रुक गए, उसका मैंने क्या रीजन हो सकता है? अब इसके एक दो तीन रीजन हो सकते हैं इसके। एक फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि जो ये टर्क्स थे ये अफगानिस्तान के जस्ट नॉर्थ में बेस्ड थे, ये जो आजकल उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तो ये सब जो है ये अफगानिस्तान के बिल्कुल पास। अफगानिस्तान उस समय इंडिया का ही पार्ट था, इंडिया की समझिए बॉर्डर स्टेट था उस समय, पूरा वो बुद्धिस्ट कंट्री था। इवन 6th सेंचुरी में तो जो हमारे बमियान के बुद्धास थे जो उन्होंने भी तोड़ दिए, वो सब हमारे ही थे वो। So, बट मंगोल जो थे वो मंगोलिया से आते थे, वो भी मतलब चाइना के नॉर्थ से, तो वो उनके लिए पॉसिबली इंडिया बहुत दूर था जी। तो वो यहाँ तक आते थे पॉसिबली, जो आप जिसका बात बता रहे हैं, तो वो उस समय प्रॉब्ली वो थक गए थे वहां तक आते आते, या और अपने आप को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहते थे, या वो कंटेंटेड थे कि सेंट्रल एशिया को या पर्शिया को जीत गए बस उनके लिए काफी है, उनके पास जो संपत्ति आ गई है, जो इतना किंगडम आ गया है,
क्योंकि ये सब करने के लिए भी लड़ने के लिए भी आपको उतना वेयर विदल चाहिए जैसे अलेक्जेंडर के साथ हुआ, तो वो ही स्ट्रेच हिमसेल्फ वेरी वेरी फार, तो वो चंगेज खान शायद वो नहीं करना चाहता था वो। प्लस चंगेज खान जो है कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर परसेप्शन वो मुस्लिम नहीं था, वो बुद्धिज्म का एक ऑप्शन था टेंगरिज्म करके, तो वो था वो, तो वो उसको बहुत ज्यादा उससे मतलब नहीं था, उससे लूटपाट से उसको, वो बेसिकली वो मंगोलिया या फिर जो सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट्स हैं उसको ही जाता था। जब जब लोगों ने उसकी अवहेलना करी, उससे लड़ाई करने की कोशिश करी, तभी उसने अटैक किया उनपे। तो इंडिया को उससे उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, प्लस बहुत दूर था जोग्राफिकली, तो वो शायद इसीलिए नहीं आया। और एक बात भी, वो चंगेज खान जो है बामियान तक भी आया था, उसने बामियान के सारे लोगों को मार दिया उसने, लेकिन जो बामियान बुद्धा थे उनको कोई ही उसने तोड़फोड़ करने की कोशिश नहीं करी उसने, या जो भी वहां पे मोनेस्ट्री थी किसी को नहीं मारा, सारे मंक्स बचे रहे उसमें, जो वॉरियर जो उनके सैनिक थे बस वहीं उन्हीं का कत्ल किया उसने। तो आपने जैसे ये किताब, तो आपने एक दूसरा किताब आ रहा है आपने जैसे बताया, तो आप कोई और सोच रहे हो इसके बाद आप और तीसरी बुक भी आ रही है आपकी कोई? बिल्कुल आपने ठीक बोला, अभी मैं तीसरी किताब आजकल लिख रहा हूँ मैं। अच्छा। अभी मैं तीसरी किताब जो है अपने मंदिरों पे लिख रहा हूँ, उनकी हिस्ट्री पे, वो भी हिस्ट्री पे है कि मंदिर कैसे बने हमारे जी। तो सबसे पहले मैंने दो चैप्टर अभी कंप्लीट किए हैं, एक है अजंता का जी। जो कि 2400 साल, अभी 2200 साल पुरानी हो गई है, अभी सेकंड बीसी में, सेकंड सेंचुरी बीसी में बननी शुरू हुई थी वो, 200 साल बनती रही सतावाहन के टाइम पे, फिर 200 साल का गैप रहा, फिर पाकाटाकाज आए, तो उन्होंने जो है जो उसके राजा थे हरिसेना, तो उन्होंने फिर उसको 400 CE में AD में उन्होंने कंप्लीट किया उसको, तो 500-600 साल तक उसका कंस्ट्रक्शन चला उसका, तो वो कैसे बनी, इतनी दुर्गम जगह थी वो वहाँ पे, तो क्यों बनाने की जरूरत पड़ी ऐसी जगह पे, तो उसके बारे में मैंने लिखा है। और दूसरा चैप्टर मैंने लिखा है अंकोर वाट के बारे में, कि कैसे साउथ ईस्ट एशिया जो है हमारा जो है उसका हमारा इन्फ्लुएंस था उस पर, उसको बहुत सारे हिस्टोरियन उसको जो है ग्रेटर इंडिया भी बोलते हैं उसको, साउथ ईस्ट एशिया को, स्पेशली कंबोडिया वाले पार्ट को, तो वहाँ पे अभी भी रामायण और महाभारत का जो है के ट्रांसफॉर्म्स है वहाँ पे नाटक होते हैं। मैं 10 साल पहले वहाँ पे गया था अंकोर वाट देखने, तो वहाँ पे मैंने पाया कि वो तो पूरा जो है वो इंडिया का ही जो है, ऐसा लगता है जैसे हम इंडिया में आ गए हैं, उनके सारे नाम वहीं पे हैं, आधे नाम उनके जया के नाम से शुरू होते हैं। वहाँ पे एक जगह है अंकोर थॉम मतलब सिटी है वो, तो वो थॉम जो है मुझे बाद में पता लगा कि वो धाम से जो है वो थॉम बन गया है, एक्चुअली अंकोर धाम है वो जी। वो वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के एक्सेंट से वो अंकोर थॉम बन गया वो। अच्छा, आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग से इतिहास लेखन की तरफ आपका रुझान कैसे और क्यों कर हुआ, जानना चाहिए। आई थिंक ये क्वेश्चन शायद चेतन भगत से भी पूछा गया हुआ कभी कि वो बैंकर था, बैंकर से कैसे नॉवेल लिखने लग गया। तो ऐसे ही है कि इंजीनियरिंग में हम लोगों के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी होते थे, उसमें मेरा एक हिस्ट्री था उसमें, बाद में जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसमें भी हमारा एक इलेक्टिव जो है हिस्ट्री था, एंथ्रोपोलॉजी था, तो उसमें तब मैंने हिस्ट्री के बारे में मुझे पता लगा, तब पता लगा कि मुझे महसूस हुआ उस समय कि हिस्ट्री गलत लिखी गई है हमारी, है जो हमें अब तक पढ़ाया गया वो बहुत कुछ सही नहीं है, तो उसके लिए मन में तमन्ना थी कि मैं भी कुछ लिखूंगा कभी। तो फिर जो है इंजीनियरिंग अभी भी चल रही है, अभी भी मेरा काम इंजीनियरिंग वाला ही है, बट एज ए पैशन जो है वो हिस्ट्री है अभी वो। भारतीय इतिहास की परंपरा अक्सर, जो प्राचीन भारतीय इतिहास की परंपरा श्रुति की रही है, तो ऐसे इसकी वजह से हमें समय का आकलन कर पाना और सही घटनाओं का अनुमान कर पाना काफ़ी मुश्किल रहा है, जिसकी वजह से करेक्ट डेटिंग और सारी समस्याएं हमारे समक्ष उपलक्ष है, जिसकी वजह से हमारे पास इतिहास लेखन में हम काफ़ी पिछड़े रह गए। तो बट हाल के समय में बहुत सारे रिसर्चर हैं, जो इंडिक रिसर्चर हैं, जो काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, जैसे सरस्वती सिविलाइजेशन के बहुत सारे फैक्ट्स अभी हमें मिलना शुरू हुए हैं, और सरकार भी इस तरफ थोड़ा ध्यान दे रही है, बट हमें लगता है कि जितना होना चाहिए था हमारे सरकारी तंत्र से वो नहीं हो पाया, तो इस पर आपके क्या विचार हैं, कैसे उन पुरानी परंपराओं को हम फिर से साइंटिफिकली अप्रूव करके अपने टेक्स्ट बुक में ला पाएंगे?
बिल्कुल सही बोला। अभी जैसे मैंने अजंता का चैप्टर लिखा है, तो अजंता में इतनी भव्य पेंटिंग्स हैं, 2000 साल पुरानी, 2100 साल पुरानी, उसमें कहीं पे भी किसी आर्टिस्ट का सिग्नेचर नहीं है उसमें, ना उनका ना कहीं डेट लिखी हुई है। तो प्रोबेबली उस समय हम ये सोचते थे कि हम एक ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, जो हुआ है वो पहले भी कभी हो चुका है और आगे होता रहेगा, जो हमारी फिलोसफी रही गई है कि हम एक छोटा सा एक कण है उसमें, तो उसमें हमारी जो जो स्थिति है वो निमित्त मात्र की है वो। तो इस कॉन्सेप्ट से कभी भी किसी पेंटर ने या किसी स्कल्प्टर ने कभी भी अपने साइन नहीं किए, ना कोई डेट डाली। सिमिलरली जो ऑथर्स थे जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, उसमें भी उनका कहीं नाम नहीं है उसमें, उसमें कहीं किसी दोहे में, किसी श्लोक में, उसके बीच में कहीं नाम आ जाता है, तो हम उसे डिसाइफर करते हैं कि अच्छा ये उन्होंने लिखा हुआ है, समय वो उस टाइम का लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं था ब्रैगिंग कल्चर, या कह सकते हैं कि ये किताब हमने लिखी है, इतनी बढ़िया लिखी है, तो इस वजह से जो है, लेकिन हमें इसका नुकसान हुआ है। फिर भी हम हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं अशोका टाइम के, या उसके बाद भी इंडस वैली के, इंडस वैली तो डिसाइफर नहीं हो पाई है अभी तक उसकी जो स्क्रिप्ट है उसकी, बाकी जगह पे बहुत सारे हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जिससे पता लगता है कि ये हिस्ट्री जो है ये ऐसी हमारी रही होगी। लेकिन ये बात तो है कि जैसे और बहुत सारी हिस्ट्री जो जैसे चाइनीज ट्रेवलर आते थे, वेनसांग आए, फायान आए, तो उन्होंने लिखा है, तो उनके क्रॉनिकल से भी हमें बहुत कुछ पता लगता है कि इंडिया में उस समय क्या थी, क्या सिचुएशन थी, कैसे किन किन ने क्या क्या बनाया, कैसे हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर था, क्या हम सोचते थे उस समय, क्या हमारी कैसी सोशल लाइफ थी, कैसी रिलीजियस लाइफ थी। तो ये इंस्क्रिप्शन हो गए, शिलालेख हो गए, इन सब से हमें अपनी हिस्ट्री पता लगती है। बाकी जो सरकारी तंत्र है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कर नहीं रहा है, बाकी जो इंडिविजुअल जो राइटर्स हैं, बहुत सारे जो इंडिविजुअल स्कॉलर्स हैं, वो शोध कर रहे हैं इस पे कि ये कब हुआ होगा, जैसे इंडस वैली कब हुई थी, या जैसे महाभारत और रामायण कब हुई थी, तो जो कॉन्स्टिलेशन के तारों के जो क्या पोजिशन रही होगी, उसके आधार पे जो है वो रिसर्च चल रही है आजकल बहुत, तो उसकी वजह से जो है, बट कहीं ना कहीं हमें इसका नुकसान हुआ है, क्योंकि फिर जो अंग्रेज आए, जो इन्वेडर्स आए, और फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे हिस्टोरियन रहे, जैसे रोमिला थापर रहे, इरफान हबीब रहे, तो उन्होंने जो मन में आया वो उन्होंने वैसे इंटरप्रेट करके लिख दिया उसका, ताकि वो जो हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर एक हमारे धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति एक हीन भावना जो है वो एक डेवलप हो जाए। तभी आप देखेंगे कि आज हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं उनमें बहुत सारे सेकुलर हैं, जो वो बोलते हैं कि हिंदू हमेशा हारे हुए थे, कुछ कर नहीं पाए हम, उनको पता ही नहीं है कि अजंता और एलोरा जैसी भव्य जो है हमने मंदिर मोनेस्ट्रीज हमने बना रखे हैं, हमने वही नहीं, हमने अंकोर वाट भी जाके बनाया हुआ है कंबोडिया में, हमने इंडोनेशिया बाली में भी शानदार मंदिर बनाए हुए हैं, पूरा जो उनका साउथ ईस्ट एशिया का जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर ही रहा है, हिंदू कल्चर ही रहा है, इंडियन नहीं हिंदू कल्चर रहा है। इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए अभी हाल का ही खबर है, सरकारी पुस्तकों के पुनर्लेखन के लिए एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी है सरकार के द्वारा, तो उन्होंने अपने सुझाव हमसे मांगे थे, मतलब सब सारी जनता से मांगा था कि वो अपना सुझाव दें इस महीने के अंत तक, 30 जुलाई के अंत तक, फिर आगे उन्होंने 15 जुलाई तक उसको एक्सटेंड किया है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि हमारे पाठ्य पुस्तकों को बदला जा सके या सही किया जा सके? बिल्कुल, इसमें मैं सोच रहा हूँ कि एक तो बहुत बाद में मुझे पता लगा, एक्चुअली 30 जून को ही अचानक व्हाट्सएप में आना शुरू हुआ कि ये कमेटी बनी हुई है ये, और इसमें सुझाव देने हैं उसमें, तो टाइम अभी भी 15 जुलाई तक एक्सटेंड हुआ है, बट 15 दिन मुझे लगता है कि बहुत कम है, क्योंकि इस कमेटी को बहुत स्पेसिफिक वो चाहिए सजेशंस इसमें, कि कहाँ पे गड़बड़ है और कहाँ पे जो है वो सुधार होना चाहिए। तो 15 दिन हालांकि मुझे लगता है कम है, फिर भी मैं एक दो एनसीईआरटी की बुक मैंने मंगवा ली है, मैं उसको पढ़ के जो है वो सुझाव दूंगा, बट बाकी जो है एक्चुअली क्या होना चाहिए, जैसे आपने शुरू में बोला कि सिर्फ दिल्ली की जो है वो हिस्ट्री लिखी गई है, तो बाकी आसाम की, बंगाल की, साउथ में जो चोलास थे, जो पल्लवास थे, उनकी हिस्ट्री लगभग गायब है। आप देखेंगे 6, 7, 8 की जो बुक्स हैं, सिर्फ एनसीईआरटी की नहीं, जो यूपी बोर्ड की हैं, जो एमपी बोर्ड की हैं, उसमें भी जो है जो सल्तनत थी उसके छोटे छोटे राजाओं के बारे में एक चैप्टर है, फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने कुछ करा ही नहीं है, जो 5 या 6 साल रहे, रजिया सुल्ताना 4 साल कुल जमा वो दिल्ली के सुल्तान नहीं, उस समय बहुत ही छोटा उनका वो था किंगडम उस समय, बट उसके बारे में पूरा चैप्टर पे चैप्टर है, जबकि हमारे हिंदू राजाओं में सिर्फ एक अशोका पे, एक महाराणा प्रताप पे, या एक आध चोला पे, राजेंद्र चोला पे चैप्टर रहा होगा, बाकी कोई चैप्टर नहीं रहा है।
तो हमें एक ये सुझाव मैं देने वाला हूँ कि एक तो पैन इंडियन हिस्ट्री होनी चाहिए, प्लस जो जो हमारे वॉरियर्स ने या हमारे किंग्स ने जो टेंपल्स बनाए हैं, हमारी जो संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो काम किया है, उनके बारे में भी होना चाहिए। एक कश्मीर में एक दलितादित्य करके बहुत महान राजा रहे थे, उसके बारे में कोई नहीं जानता। सुहेल देव के बारे में कोई नहीं जानता। गुजरात में एक नाइकी देवी थी जिन्होंने माउंट आबू की लड़ाई में मोहम्मद गौरी को हराया था, उनके बारे में कोई नहीं जानता। ये ऐसे पुलकेशिन करके एक थे जो महाराष्ट्र में थे, जो जिन्होंने नवसारी की लड़ाई में एक अल जुनेद करके थे, अरब से अरब थे, मोहम्मद बिन कासिम के जस्ट 50-60 साल बाद यहाँ पे आए थे, उनको हरा के भगा दिया उन्होंने। वैसे बहुत सारे राजा रहे जिनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये सब मैं उनको लिखने वाला हूँ मैं, कि इन सब के बारे में भी जो है एटलीस्ट एक एक चैप्टर तो हो कि हम भी किसी से कम नहीं थे। होलकर, मराठा, ये लोगों ने भी अहिल्याबाई होलकर का बहुत बड़ा योगदान रहा भारत को संगठित बिल्कुल करने में। बिल्कुल 1670 से लेके आई थिंक 1802 तक, 150 साल तक मराठा ने पूरा उनका पानीपत से आगे काबुल तक, सॉरी लाहौर तक उनका राज्य था। उसके बारे में कहीं कुछ आता ही नहीं है उसमें कि मराठाओं ने इतना किया। 150 साल तक हिंदू जो है वो पूरे फिर से जो है मुगलों के बाद जो है भारत पे शासन किया। ऐसा लगता है कि जैसे मुगल से सीधे जो है औरंगजेब से सीधे सत्ता जो है अंग्रेजों पे ट्रांसफर हो गई है। तो ये सब मिसिंग है, ये लिंक तो जो कि होना चाहिए था। तो इसके बारे में मैं सुझाव देने वाला हूँ कि इन सब के बारे में भी होना चाहिए। अच्छा, आपने बुक में तराइन के युद्ध के बारे में बहुत डिटेल से लिखा है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों को बताएं जो जो वो नहीं पढ़ पाए हैं अपने पाठ्य पुस्तकों में, तो आप उसका जिक्र करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो जो तराइन की बैटल थी वही एक जो है वो टिपिंग पॉइंट था हमारी हिस्ट्री में। तो जो पहली बैटल थी 1191, जैसे मैंने बताया कि मोहम्मद गोरी का ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम आया, वो 5-6 बार पहले भी आ चुका था। वो जैसे नाइकी देवी थी 1178 में, मोहम्मद गोरी जो है वो सिंध के रास्ते जो है माउंट आबू तक आया और गुजरात पे अटैक करना चाहता था। वो दोबारा से उसको सोमनाथ लौटना था, बट नाइकी देवी जो है उन्हें वही किया जो माउंट आबू में जाके, वहां पे बहुत पतला जो रास्ता है वहां पे टर्किश कैवलरी का कोई वहां पे ज्यादा इफेक्टिव नहीं है वहां पे। तो उन्होंने वो स्थान चुना वहां पे, और वहां पे ही उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया। उसको मोहम्मद गौरी को वो आराम से मार भी सकती थी वो, बट हमारा धर्मयुद्ध था कि भाई जो इंजर्ड हो गया हो, जो अनआर्म्ड है उसको मारना नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने छोड़ दिया उसको, जाने दिया उसको वापस गजनी, वो वापस चला गया। जबकि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी एक कि वहीं पे खेल खत्म हो सकता था उनका, बट उन्होंने वो एक चांस मिस कर दिया। वो फिर से 5-6 साल बाद जो है अपनी सेना रिक्यूपरेट करी उसने, फिर से रीअलाइन करी उसने, फिर से वो लाहौर पे और पेशावर पे उसने अटैक करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने वहां पे कब्जा जमा लिया। फिर 1191 में जो है वो तराइन पहुंच गया पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे। उस समय पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजा थे। तराइन की बहुत भयानक लड़ाई हुई जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने उनकी सेना को जो है बिल्कुल काट के रख दिया। उसमें मोहम्मद गौरी भी लड़ रहा था उस समय। उसका जो है वो मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से घायल होके युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ था। वो उसको कोई आराम से उसको मारा जा सकता था, उसको पकड़ा जा सकता था, बट उसको छोड़ दिया कि भाई क्यों मारना है वो, उसको सजा मिल चुकी है, उसको छोड़ो, उसको जाने दो। इस टाइप की जो थ्योरी थी उसको, तो जो युद्ध के मैदान में जो मर्सी दिखाने वाला हमारा कॉन्सेप्ट रहा है वो काफी गड़बड़ रहा है। तो उसको छोड़ दिया। उसका एक सैनिक ने देखा कि वो मोहम्मद गौरी मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है लेकिन इंजर्ड है, तो वो उसको घोड़े पे उठा के उसको वो गजनी ले गया वापस। विद इन 1 ईयर जो है वो वापस आ गया। लेकिन 1 ईयर में उसने बड़ी प्रिपरेशन करी। 2-3 महीने में ठीक होने के बाद जो जो है वहां पे उसने 6 महीने प्रैक्टिस करी। उसने 1191 की जो पहली लड़ाई थी जो तराइन की, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान उसको हाथियों ने पहुंचाया पृथ्वीराज चौहान के। तो उसने हाथी के बड़े बड़े पुतले बनवाए उसने गजनी में, और उनसे मॉक युद्ध किया, एक प्रैक्टिस करी वहां पे उन हाथियों को, उन साइज के मिट्टी के लकड़ी के वो बना के, कि कैसे उनको अटैक किया जाता है, कैसे उसको नेस्तनाबूद किया जा सकता है, कैसे हाथियों की आंख में मारना है, कैसे हाथियों के पैर में मारना है, कहाँ उनको दर्द होगा, और फिर पलट के वो अपनी ही सेना को कुचल देंगे। वो सब उसने स्ट्रेटेजी बनाई उसने। और फिर उसने एक रिजर्व फोर्स भी रखी कि अगर ये चार जो है वो चार फ्लैंक करके वो आते थे, वो चार फ्लैंक रहते थे, लेफ्ट राइट फ्रंट एंड पीछे का, और प्लस एक रिजर्व फोर्स रखते थे वो।
तो वो रिजर्व फोर्स का जो कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं था, जो हमारे हिंदू राजा थे उनको पता भी नहीं था, उन्होंने शायद सीखने की कोशिश भी नहीं करी, तो उसमें हमसे बड़ी गलतियां हुई हैं उसमें, तो जो ये टैक्टिक्स थी, जो स्ट्रेटेजी थी है, तो वो हम सीख नहीं पाए उनसे, हम रूल्स में बंधे रह गए उसमें हम, तो वो शायद नहीं होना चाहिए था। तो वो जब 1192 के एक साल बाद जब वापस आया, तो उसने फिर मोहम्मद गौरी ने बोला कि मैं देखो वापस आ गया हूँ, तुम मुझसे संधि कर लो, तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो पृथ्वीराज चौहान ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम इस्लाम, तुमको लास्ट टाइम मैंने हराया है, इस बार तुमको छोड़ूंगा नहीं, इस बार आ जाओ तो मैदान में। तो वो तराइन में एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की सेना थी, एक तरफ मैदान के दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी की सेना थी। हम जैसे कि रात में लड़ते नहीं थे, धर्म युद्ध में हमारे कभी भी युद्ध में जो है, आपने सुना होगा महाभारत के टाइम पे भी कौरव और पांडव एक दूसरे का शाम को हालचाल पूछने जाते थे, उनसे बात करते थे कहाँ चोट लगी, सब ठीक है नहीं ठीक है, भाभी कैसी है, इस टाइप की बातचीत होती थी। वैसे ही वो महाभारत काल से वो अब तब भी चला रहा था, 1192 तक वो अपना आराम से जश्न मना रहे थे पृथ्वीराज चौहान के सैनिक। तो वो सुबह सुबह 4 बजे जो है वो उन्होंने अटैक कर दिया मोहम्मद गौरी की सेना ने, आधे लोग सो रहे थे, तो बहुत सारे लोग तभी मर गए, तब सरप्राइज हो गया कि ये अचानक ये क्या हो गया ये। फिर वो खैर जब जो लोग जगे तो उन्होंने उसको रिपेल किया, फिर उन्होंने जो है दूसरी तरीके से उन्होंने छद्म युद्ध किया। अल्टीमेटली जो है जब युद्ध शुरू हुआ रात में सुबह 8-9 बजे, तब तक जो है वो लोग मेंटली बड़े डिप्रेस हो चुके थे पृथ्वीराज चौहान के लोग, तो उस वजह से फिर बहुत ज्यादा उनका सामना कर नहीं पाए और वहां पे जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तो वो जो 1191 की जो लड़ाई थी, जो पहला युद्ध था, वो जिसको टिपिंग पॉइंट बोलते हैं, वहां पे हमारा जो है ट्रेजेक्ट्री चेंज हुई, हमारा इतिहास जो है सडनली चेंज हो गया। वहां से फिर वो इंडिया जो है में एक फॉरनर्स आके जो है वो राज्य करने लगे हम पे, और वो जो गलती थी उसकी सजा हम आज भी भुगत रहे हैं। आज भी इंडिया में वही चल रहा है जो उस समय चल रहा था, हम वही गलती आज भी दोहरा रहे हैं। अभी भी हम पे पाकिस्तान अटैक करता है तो हम कुछ जवाब दे नहीं पाते हैं। तो ये इतिहास से हमें वही सीखना है, जो किया क्या हमने गलतियां करी हैं वो गलतियां दोबारा ना हो, क्या हमारी स्ट्रेंथ थी हमें उसको दोबारा से उसको ठीक करना है उसको। तो ये इतिहास पढ़ने का मतलब ही ये होता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना है हमें, जो कि शायद ऐसा लिखा गया तो हम सीख नहीं पा रहे हैं। अभी भी आपने पढ़ा होगा जो कश्मीर में जो इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है, अभी आजकल उन्होंने जो है उन्होंने पाकिस्तानी जो सोल्जर्स थे या पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने पाया कि इंडियन आर्मी कभी भी अटैक नहीं करती है अगर वो अनआर्म्ड है, वो उनको अधिक से अधिक पकड़ के वापस भेज देती है। वो बोलते हैं कि हम गलती से आ गए बॉर्डर के साइड में, हमें पता नहीं था, हम तो इस गाँव के रहने वाले हैं, तो वो वापस पकड़ा, 1-2 दिन पूछताछ करी, वो वापस भेज दिया। तो और बाकी अगर जो लोग अगर नहीं पकड़े गए तो वो श्रीनगर तक आ जाते हैं, जम्मू तक आ जाते हैं, और फिर जो उनको आर्म्स जो है वो ड्रोन के थ्रू पहुंचा देते हैं। तो आप ये देखोगे इतिहास में जो अभी भी वही चल रहा है, अभी भी हम जो है अनआर्म्ड को मारते नहीं है, जबकि हमें पता है कि वो आगे चल के हमें कितनी जो है नुकसान पहुंचा सकता है, कितना बड़ा अटैक कर सकता है। तो जैसे ये तो मैंने अपने हमने बहुत विस्तार में ये डिस्कस किया कि कैसे अटैक हुए, कैसे हमारी क्या रॉन्ग स्ट्रेटजीज थे, या हम साइंस स्ट्रेटजी पे बेटर स्ट्रेटजी पे हम ध्यान नहीं देते थे, या शायद हम लर्निंग्स बेटर से नहीं लेते थे। कुछ पॉजिटिव्स भी हैं आपको लगता है कि पूरे मतलब हमारा जो हिस्ट्री रहा है, जैसे कि हो सकता है कि जैसे कि जैसे पर्सिया में से इब्न सीना थे, वहां पर भी कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज हुए हैं, जैसे या फिर वहां का उस समय मैथमेटिक्स या एस्ट्रोनॉमी ये सब में कुछ डिस्कवरीज हुए हैं, तो आपको लगता है कि वो डिस्कवरीज इंडिया में आ सकते अगर हमारा हिस्ट्री कुछ और होता, या फिर आपका इसमें क्या विचार, या कुछ जो हुआ है माने इससे आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव्स है या कुछ अपार्ट फ्रॉम लर्निंग्स ऑफ कोर्स? नहीं, जो आपने बोला बेसिकली जो मैथ्स है हमारी, जो स्पेशली जो न्यूमरल्स हैं, मैंने उस पर हमारी बुक में एक चैप्टर भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो हमें ईजाद की है, हमारी ही वो सोच थी कि इस तरीके से हमें लिखना है 1, 2, 3, 4 से लेके 0 तक। वही जब अरब यहाँ पे आए थे मोहम्मद बिन कासिम के बाद, उन्होंने पाया कि हम लोग ये यूज कर रहे हैं, तो वो जो है वो यहाँ से हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे मैथमेटिशियन से, उनको वो पर्शिया लेके गए,
और वहां पे उसको उन्होंने बोल दिया कि ये अरब न्यूमरल्स हैं, जी जो कि बाद में जो रोम चले गए वो, तो उन्होंने रोम वालों ने बोला कि अरे ये तो अरब से आए हैं तो ये अरब न्यूमरल्स हैं, पर जबकि हैं वो हिंदू। यहाँ पे नासिक में जो ये जो केव्स हैं हमारी, उसमें इनका वर्णन मिलता है, मैंने उसकी फोटो भी डाली है अपनी बुक में। जी। और वो जो केव्स हैं वो 200 BC की हैं, वो जो बुद्धिस्ट ट्रेडर्स ने बनाई थी, जो तो वो ये 1, 2, 3, 4 तो 100% हमारा, इनफैक्ट टिग्नोमेट्री जो है वो भी हमारी है, जो साइन कोसाइन है वो सब जो है वो जयात पोजिया जो है वो हिंदी वर्ड्स हैं, वो संस्कृत वर्ड्स हैं, नॉट हिंदी, संस्कृत वर्ड्स हैं, तो कोजिया जो है कोजिया से ही वो कोसाइन बन गया वो। तो टिक्नोमेट्री जो साइंस थी उस समय, जो मैथमेटिक्स थी, वो सब वो यहीं से लेके गए। यहाँ से पहले पर्शिया गई, पर्शिया ने उन्होंने अपना अपना जो है उस पर एक आवरण चढ़ाया और उसको फिर वो रोम और ग्रीस में चली गई वो, जो जिसको आजकल वो अरब बोलते हैं वो एक्चुअली है सब हमारा वो, हम बट उसको क्लेम नहीं कर पाते हैं हम उसको। तो हाँ बोलिए। आपने जैसे आपने बोला और भी हुए हैं, जैसे जैसे हमारा जो किताबों का जैसे मुगलों के अंदर जैसे संस्कृत काव्यों का या लिटरेचर का रूपांतरण हुआ है पर्सिया में, ये सब का जो जैसे आपने बताया कि दारा सिद्धो के अंदर या उनके अंदर, तो हाँ मैंने एक तो है कि नॉलेज ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो हुआ है। लास्ट में मैं दो प्रश्न और लेना चाहूँगा, हमारे पास हाँ समय हमने 1 घंटे का ही रखा है, तो यह प्रश्न, तो आपने हिंदू धर्म के उत्थान और बाकी जैन धर्म बौद्ध धर्म के उत्थान के बारे में जिक्र किया है, तो उसके बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए बेसिकली ये जो हिंदू बुद्ध जैन और सिख ये सब इंडिक रिलीजन है, ये सब ये बेसिकली ये हिंदू धर्म से ही निकले हुए हैं, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है इनमें, इनके अपने थोड़े बहुत विचार हैं, बट इनकी जो जो मुख्य धारा है वो हिंदुओं की है। तो इसमें जो बुद्ध थे वो महात्मा बुद्ध थे, जैसे जो जीसस थे वो जीव थे, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म से चालू किया, तो जो बुद्ध थे जो गौतम थे वो थे तो हिंदू ही, वो उनका जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप है थे हिंदू, बाद में उन्होंने अपना एक धर्म चलाया, वो धर्म उन्होंने इनफैक्ट चलाया नहीं, उनके जो अनुयायी थे बोधिसत्व थे, उन्होंने जो है उन्होंने बोला कि नहीं ये जो है इसके रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं, ये आपको इसको मानना है ये। तो ये बेसिकली हमारे जो हिंदू धर्म के ही एक जैसे नदी होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो वो ये थे ये, और सबने जो है हमारा जो कल्चर जो थी हमारे इन सबसे जो है इन धर्मों से निखाराया, इसमें इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है जो व्यू पॉइंट्स होने चाहिए वो सब हमने उसको एब्जॉर्व किया उसको। बुद्ध धर्म तो जो है एक अलग खासियत इसमें थी कि ये मिशनरी था, ये हमारे जो अशोका थे जो थे उन्होंने जो है उसको प्रोपोगेट करने के लिए इसको चाइना कोरिया जापान साउथ ईस्ट एशिया सब जगह पे भेजा, जो कि जो मिशनरी जो जील है वो हमारे हिंदू धर्म में नहीं थी, ये हमने कभी इसको प्रोपोगेट नहीं किया। एक जो है एक ये मुझे लगता है कि एक हमारे अंदर खामी थी है कि हम अपने धर्म को प्रोपोगेट नहीं कर पाए अच्छे से, जो कि बुद्धिस्टों ने किया, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी ने किया, उन्होंने पूरे एशिया में उसको फैलाया, जिससे हमारा इंडिया का नाम है आज भी। आज भी जापान के जो लोग हैं वो हमें मानते हैं कि जो उनका धर्म जो था वो इंडिया से ही आया हुआ है। तो इस तरीके से जो है इन सारे धर्मों का एक बहुत बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे हमारे कंट्री में, हमारी सोच में, हमारी संस्कृति में, हमारे ट्रेडिशंस में। सो आखिर में सुमित आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। नहीं, तो हमें समय का थोड़ा वो पाबंद है, तो वही आपके आगे के प्लान और आपके आने वाले बुक पर फिर से थोड़ा प्रकाश डाल दे ताकि हमारे दर्शक उसका इंतजार कर पाए। हाँ, तो ये मेरी किताब अभी आ रही है, जैसे आपने देखा होगा इसकी फोटो, तो ये किताब जो है मैंने बहुत लोगों ने बोला कि ये किताब कैसे निकली, कि सोर्सेज में सबने बोला कि ये पूरे नॉर्थ दिल्ली की ही हिस्ट्री हो गई है, मोहम्मद गौरी मोहम्मद गजनवी, बाकी लोगों का कहाँ है, आसाम वालों का कहाँ है, कर्नाटक का कहाँ पे है, चोला सा कहाँ पे है, बाकी जगह पे कहाँ, बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन आपने हिस्ट्री में क्यों नहीं लिखा। तो मैं उनको बोला कि ऑलरेडी मेरी बुक 500 पेज की थी, ये इससे ज्यादा लिखना पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए मैंने ये जो सेकेंड एडिशन जो ये सेकेंड एडिशन के लिए जो नई बुक आ रही है उसमें मैंने आसाम की जो लड़ाई हुई थी औरंगजेब के साथ, लक्षित बोरफुकन, वहां के बोरफुकन एक बहुत बड़े वॉरियर थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता,
मेरी पोस्टिंग जोरहाट में थी, मेरी आसाम में, जोरहाट का नाम सुना है लोगों ने? हाँ, तो वो मेरी पोस्टिंग थी, तब वहां जाके मैंने पहली बार नाम सुना कि अच्छा लक्षित परफुवन करके कोई वॉरियर थे वहां पे, तो उसके बारे में मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी रही कि कैसे उन्होंने औरंगजेब की सेना को हराया लक्षित परफुवन ने। हाँ, तो उसके बारे में मैंने लिखा है। प्लस श्री कृष्ण देव रॉय जो थे विजयनगर के, उन्होंने कैसे जो है वो जो जो डेक्कन सल्तनत थी उनको कैसे हराया और कैसे फिर उनका डिक्लाइन हुआ विजयनगर का, वो कैसे फिर पांच डेक्कन सल्तनत थी वहां पे, तो वो अलग अलग थी वो, तो उसको वो एक्सप्लॉइट करते थे विजयनगर वाले, तो उसको उनको हावी नहीं होने देते थे। बट एक टाइम ऐसे आया कि पांचों सल्तनत आपस में मिल गई और फिर उनको जो है वो जो बैटल ऑफ टेलीकोटा थी 1565 में, उनको फिर ये विजयनगर में हराया और कैसे हम्पी का जो है बिल्कुल उन्होंने डिस्ट्रॉय करके रख दिया उन्होंने। तो मैं 3-4 महीने पहले हम्पी गया था मैं उसको रिसर्च करने के लिए कि कैसे वहां पे क्या क्या मॉन्यूमेंट्स थे, कैसे लड़ाई हुई, तो वहां पे गाइड्स लोगों ने बताया कि कैसे उन्होंने हमारे सारे मंदिर तोड़ दिए और कैसे रातों रात मूर्तियां जो है, जो मेन मूर्ति थी, जो आपने सुना होगा कि कृष्णदेव रॉय जो है उड़ीसा में जो है वो एक कृष्ण की मूर्ति लेके आए थे वहां से और उन्होंने वहां पे स्थापित की, तो एक बड़ा भव्य मंदिर बनाया था हम्पी में, कृष्णा टेम्पल बोलते हैं उसको। आज भी जो है वो टेम्पल जो है वो उसके रुइंस वहां पे हैं। तो जब उनको लोगों को जब पता लगा कि सल्तनत उस बैटल ऑफ टेलीकोटा में हार हो गई है, तो रातों रात उन्होंने जो मूर्ति जो है वहां से उठा के पंढरपुर करके एक जगह है महाराष्ट्र में, तो रातों रात वहां पे मूर्ति को जो ट्रांसफर कर दिया। तो ये सब जो है मैंने इसके बारे में अपनी बुक में लिखा हुआ है। प्लस जो खिलाफत जो हुआ, कैसे हमारा जो पार्टीशन हुआ, कैसे जो मुस्लिम से अलग एक पॉलिटिकल कंट्री की डिमांड करने लगे, कहाँ से शुरू हुआ ये सडनली नहीं आ गया ये कि हमें अपना कंट्री चाहिए, ये इसकी जो है बहुत पुरानी जो है 100 साल पुरानी जो है उनकी एक मंशा रही थी कि हमें कंट्री को तोड़ना है, हमें इसको हमें एक अलग राज्य चाहिए। और फिर क्या क्या गलतियां हमसे हुई खिलाफत के टाइम पे भी, हमने बहुत बड़ी गलतियां करी, ऐसा नहीं है कि वो सब अच्छा करते गए और हम जो है हम भी सब अच्छा करते रहे, हमने रोकने की कोशिश करी, ऐसा नहीं हुआ, हमने बड़ी सारी गलतियां करी। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा था कि इवन ब्रिटिशर्स जो थे 1945 के, जिन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा उसमें उन्होंने बोला कि आप लोग जो है पार्टीशन नहीं करिए, एक ही कंट्री रहिए पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स रहिए, जैसे अमेरिका में है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया रहता, वो जो पाकिस्तान वाला पार्ट है उसकी अपनी अलग सब पूरा फ्लैग रहता, अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहता, पर डिफेंस कम्युनिकेशन ये करेंसी ये सब चीजें एक रहती है ताकि कंट्री की आपका एक रहे। बट ना जिन्ना ने माना ना नेहरू ने माना, उस कारण से अल्टीमेटली जो है वो पार्टीशन हो गया। तो वो कहाँ से आया वो खिलाफत, और खिलाफत के जो जो रिवर्बरेशन थे, जो रेट्रीब्यूशन थे, जो रिपरकशन थे, वो अभी भी चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जो बंगाल में हुआ अभी है वो सब कैसे हुआ, वो सब इसी वजह से हुआ ही है। तो ये सब मैंने इस बुक में लिखा हुआ है, तो होपफुली जो है ये बुक जो है स्विफ्ट फोर्सेस से बेटर साबित होगी, आई होप। चलिए अब नहीं, हमें वही आशा आशा है। वैसे इसको बुक बहुत ही बढ़िया है, तो सबमिट करना तो थोड़ा मेरे ख्याल से डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपने लिखा है तो आशा करते कि आप कर देंगे। तो हाँ, अब हम भाई हमारा समय सब समाप्त हो रहा है, नहीं तो जरूर और बात करते हैं, लेकिन भाई किताब के 500 पन्ने होते हैं और समय भी एक घंटा ही होता है इंटरव्यू का। तो भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे भी धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला हमसे बात किया और अपने विचार व्यक्त किए, और तो बहुत ही अच्छा लगा। तो हो सकता है कि हमने आपका सेकंड बुक भी आए तो उसको भी हम हो सकता है बात करेंगे। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो चलिए इसी बात पे थैंक यू मिस्टर जी, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय। होपफुली यू लाइक दिस एपिसोड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।